आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति है चहु ओर, और जितना अधिक आप शांत बनोगे उतना ही अधिक आप सुन पाओगे। सुनिए अपने मन की आवाज़, सुनिए आसमंत की आवाज़। कौन क्या करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्या कहता है आपका चित्त ये इम्पोर्टेंट है। शहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आपको इस दिन की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आज 5/3/2018 चंद्रमा कन्या राशि में सुबह 8:11 तक, उसके बाद तुला राशि में। नक्षत्र है चित्रा, रात 8:17 तक। संकष्टि चतुर्थी है चंद्रोदय, रात को 9:58 के बाद होगा। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। सुबह 6:46 से लेकर सुबह 8:13 तक है अमृत। सुबह 9:39 से लेकर सुबह 11:06 तक है शुभ। दोपहर 3:26 से लेकर दोपहर 4:53 तक है लाभ। और दोपहर 4:53 से लेकर शाम 6:19 तक है अमृत। अवसर देर सवेर हर उस व्यक्ति के पास आता है जो इस दिशा में काम करता है और इसकी इच्छा भी रखता है। तो अवसर आएंगे और आपको ढेर सारे अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, उन्नति के। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। आइए आज जानते हैं शुक्र के मीन में प्रवेश करने से सभी राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा। मेष राशि। आपके मीन में शुक्र प्रवेश कर जाने से आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे, उच्च स्तर के होंगे, विदेश रिलेटेड यात्राएं अच्छी होंगी, खर्चे खूब होंगे लेकिन शुभ मंगल होंगे। वृषभ राशि। आपके लग्न का स्वामी शुक्र उच्च का हो गया, जिस वजह से आपको धन लाभ होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में, और आपके तरफ भी रिजल्ट लगने की पूरी आशंका है, आपके बच्चे रहेंगे खुश। मिथुन राशि। आपके लिए शुभ अवसर आ गए कार्य के लिए, आपको कोई अच्छा जॉब या काम या मीडिया से रिलेटेड काम ऑफर होगा, आपके पिता की पदोन्नति होगी या आपकी भी हो सकती है, आपको जमीन जायदाद या आप कुछ ऑर्नामेंट से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें फायदा होगा। कर्क राशि। आपके लिए उच्च का शुक्र ले आया भाग्योन्नति के अवसर, अच्छा कोई मीडिया से रिलेटेड काम मिल जाएगा आपको, या आप कोई आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो वो मिल जाएगा, आपके बड़े भाई बहन इसमें आपकी सहायता करेंगे। सिंह राशि। अष्टम शुक्र गया जो आपके स्वभाव के विपरीत हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, और वो अगर कोई तरह की परेशानी देता है तो वो इलाज भी बढ़िया सा ढूंढ के देगा आपको। अपना कार्य जो करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, लेजीनेस आए तो आप कर सकते हैं गायत्री के जाप। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अब शुक्र सन्मुख आकर आपको देखता है पूर्ण दृष्टि से, और आपको विवाहित जीवन में बहुत सुख मिलता है, आपकी पत्नी पार्टनर हो जाते हैं रोमांटिक, और आप उस स्थिति का आनंद उठाते हैं, और साथ में अगर आपका कोई बिजनेस है किसी के साथ में तो आपको वो बिजनेस फ्लरिश कर जाएगा। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वो है आप खुद। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए इस दिन की आपको देती हूँ ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आइए जानते हैं तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य इस अंदाज में कि शुक्र प्रवेश कर गए हैं मीन में। तुला राशि। तुला राशि के लिए उच्च का शुक्र मतलब आपके लग्न का स्वामी उच्च का जाके बैठा षष्ठ में, तो आपके जो शत्रु हैं उनका दमन होगा, आपको विदेश रिलेटेड यात्रा में फायदा होगा, आपके शुभ खर्चे होंगे, प्रेम संबंधों में आपके इजाफा होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए उच्च का शुक्र आपके पंचम स्थान पर बैठने से आपकी पढ़ाई विद्या अच्छी होगी, कोई एडमिशन चाहिए तो वो तुरंत होगी, और आप बहुत सारा इंटेलेक्चुअल काम करेंगे। धनु राशि।
धनुराशि के लिए चतुर्थ में बैठा शुक्र आपकी माता से आपको फुल सपोर्ट दिलाएगा, आपको सुख मिलेगा, आपको वाहन की प्राप्ति होगी कोई अच्छे, आपके कार्य अच्छे होंगे और आपके पिता माता दोनों से सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि, आपके लिए यात्रा अच्छी होगी शुक्र की वजह से, आपको बहुत फायदा होगा अपने भाग्य से रिलेटेड जो काम आपको ऑफर हो रहे हैं उनमें, और हो सकता है कि आपका पराक्रम भी बढ़े, आप बहुत ही सुंदरता से अपने कामों को निभाएं। कुंभ राशि, आपके जीवन में धन लाभ होगा, परिवार में खुशी आएगी और आप हो सकता है कोई भाग्यवर्धक खबर सुन के इतने दिनों से जो पेंडिंग खबर थी आपको वो आपको धन लाभ देकर जाएगी और उसका सभी आनंद उठाएंगे। आपको फिलहाल अपनी वाणी में जो ओझ है उसका फायदा उठाकर कोई काउंसलिंग या कंसल्टेशन जैसा जॉब कर लेना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठकर शुक्र आपको बनाएगा रोमांटिक और साथ में आपके पर्सनैलिटी में इजाफा होगा, लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे। अगर कोई मीडिया से रिलेटेड काम है तो बना लीजिए। आपके विवाहित जीवन में सुखी ये शब्द जुड़ेगा। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, बिल्कुल लगती है जी मेहनत, और सपने सच करने हैं तो लग जाइए, आज से कमर कस लीजिए, आगे बढ़िए। त्योहार तो आते हैं और जाते हैं लेकिन जिंदगी एक त्योहार है, उसको जीने की कोशिश कीजिए। आइए आज से हम नित नई चर्चा किया करेंगे आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकल हैपनिंग्स जो आसमानी ग्रहों के साथ हुआ करती है, एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं जिसे, लेकिन उसमें एस्ट्रोलॉजी जब समावेश हो जाता है तो क्या क्या असर देती है वो मैं आपको जो मंगल शनि युति का प्रभाव बताने वाली हूँ मेष से लेकर मीन राशि तक वालों पर, वो आपको मैं एक एक राशि करके बताऊंगी क्योंकि एक राशि के ऊपर जो असर होगा वो चार घरों पर होगा, उनकी दृष्टियां अलग होंगी। इसलिए चलिए आज हम जानते हैं मेष राशि, आप के नजदीक कोई मेष राशि वाला है तो आप उसे भी ये फल बता सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए उसके अष्टम स्थान का स्वामी और उसके लग्न का स्वामी है मंगल, और मंगल शनि के साथ युति करने वाला है तो मंगल जब शनि के साथ युति करेगा तो मंगल जो है वो अग्नि तत्व है और शनि जो है वो वायु तत्व है, तो अग्नि फैल जाती है वायु तत्व से, इसलिए आपको जीवन में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपका काम खराब हो, जिससे आपकी हेल्थ खराब हो, जिससे आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो या जिससे आपके कहते हैं ना धन लाभ को नुकसान हो जाए। तो मेष राशि वालों को ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। कल फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर, और बात करेंगे हम वृषभ राशि वालों को क्या फर्क पड़ेगा। जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा जब गाते हैं हम तो डमरू बजे और पखावज बजे और साथ में चंडा बजे तो ऐसे लगता है साक्षात शिव जी धरती पर आ गए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।